दोस्तों अभी मार्च का महीना चल रहा है। मार्च अप्रैल में गुलाब के पौधे से हम बहुत बढ़िया फूल पा सकते हैं। इसके लिए हमें एक चीज़ है जो अपने प्लांट्स में ज़रूर देनी है, जो मैं भी अपने पौधों में दे रही हूँ, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ है, आराम से आप अपने पौधों में दे सकते हो और बहुत ही बढ़िया फूल उस पर पा सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो गुलाब का पौधा रहता है बटन रोज़, इस पर बहुत ज़्यादा गुच्छे में फूल आते हैं, तो ये बड़े ही सुंदर लगते हैं। फूल थोड़े छोटे होते हैं लेकिन गुच्छों में फूल इस पर आते हैं। अगर आप गुच्छों में फूल पाना चाहते हैं तो एक तो देसी गुलाब या फिर ये बटन रोज़, इन पर बहुत ज़्यादा फूल हम पा सकते हैं। देसी गुलाब पर भी इस टाइम पर बहुत अच्छे फूल आते हैं और उनमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो गुलाब के पौधे के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जो मैंने देखी है, जो बहुत ही आराम से गुलाब पर फूल दे सकती है, वो है वुड ऐश, जिसको लकड़ी की राख बोलते हैं। इसका इतना बढ़िया रिज़ल्ट है गुलाब के पौधे पर। पहले मैं इसको महीने में एक बार दिया करती थी, लेकिन मैंने इसको 15 से 20 दिन में अपने पौधों पर ट्राई किया है, जिससे और भी अच्छा रिज़ल्ट पौधों में मिला है। तो इसको किस तरह से देना है वो मैं आज अपने प्लांट में दे रही हूँ, तो आपको दिखा रही हूँ। आप भी ज़रूर ये ट्राई करिए और आप बहुत बढ़िया इसका रिज़ल्ट भी पाएंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊँगी आगे वीडियो में, जो हमें अभी करनी चाहिए ताकि अच्छे फूल आएँ। तो दोस्तों पहले पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद हमें लगभग 1.5 से 2 चम्मच अपने पौधे में ही राख डालनी है। 15-20 दिन में हम अपने पौधों में इसको डालेंगे और इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर देंगे और उसके बाद पानी दे देंगे। तो ये काम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है गुलाब के लिए। अगर अच्छे फूल पाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर करिए। लकड़ी की राख बहुत ज़्यादा इस पर असर करती है और ये राख उबले से भी बना सकते हैं, वो भी बढ़िया काम करती है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद होती हैं, जिनको पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था वो सारी चीज़ें वास्तव में बहुत ज़्यादा कारगर हैं। ये राख का इस्तेमाल तो पहले से हमेशा खेती में किया जाता था, बहुत ज़्यादा ये काम की चीज़ है। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम होता है और भी बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो गुलाब पर इसका आप बहुत बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। जब से मैं राख का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधों पर कर रही हूँ, रेगुलर फूल आते रहते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार अपनी जो वीडियोज़ हैं उसमें बताती हूँ, जब भी मैं पौधों में देती हूँ, जब भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करिए। दूसरा तरीका, अगर आपके पौधों पर बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत ही मतलब फूल आए नहीं है काफ़ी टाइम से, तो सबसे पहले तो आप हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए गुलाब के पौधे की। इस टाइम पर नई ग्रोथ आएगी, अच्छे फूल आप पा सकते हैं। उसके बाद पौधे की गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने के बाद आप उसमें लगभग 2 मुट्ठी, अगर 14 इंच का गमला है तो वर्मी कंपोस्ट आप उसमें डालिए। उसको मिट्टी से ढक दीजिए ताकि हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो मिट्टी से ढका रहे, सूखे ना, और ऊपर डालेंगे तो सूख जाएगा और उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए ऊपर से, तो इसका जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाएगी पौधे की और बहुत नई ब्रांचेस आएंगी और नई ब्रांचेस पर फूल जरूर आएंगे। और हर 15 दिन में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे में देते रहिए। राख के देने के बाद भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 दिन में एक बार राख का यूज़ करिए, 15 दिन में फर्टिलाइज़र देते रहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यही बस करना है। और अगर कीड़े वगैरह पौधे पर लग रहे हैं तो किसी भी अच्छे पेस्टिसाइड से रेगुलर स्प्रे करिए। पौधे का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं उनको हटा दीजिए, ब्रांच अगर काली हो रही है तो उसको काट दीजिए। यही कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम गुलाब पर अभी बहुत अच्छे फूल पा सकते हैं। तो जितने भी पौधे हैं उनमें आप ये काम करिए और आप देखेंगे कि अभी गर्मियों तक बहुत अच्छे फूल गुलाब पर आप पा सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।